हेलो स्टूडेंट्स, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू डाई फॉर स्टडी चैनल। हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश बुक से चैप्टर नंबर 4। इसका हम करेंगे पार्ट 4 आज, विपिन चौधरी स्लैब्स ऑफ मेमोरी। इसके हम 3 पार्ट की वीडियोस पहले बना चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। जब वो रांची चले जाते हैं, डॉक्टर चंदा उनको सजेस्ट करते हैं कि आप दोबारा एक बार रांची जाएं। हो सकता है कि आपके माइंड से कुछ रीजंस की वजह से वो सारी ट्रिप, वो सारे इंसिडेंट रिलीज़ हो गए हों, हट गए हों, तो आपको दोबारा वहाँ जाना चाहिए। तो इसलिए जब वो वहाँ रांची के लिए टिकट का अरेंजमेंट कर लेते हैं, रांची पहुँचते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग को, तो वहाँ जाकर वो पाते हैं कि वो वहाँ पर पहले कभी नहीं आए। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, टुक ए टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल। तो वो वहाँ से स्टेशन से बाहर आकर के टैक्सी लेते हैं, उसको शहर में चारों तरफ घुमाते हैं और वो रियलाइज़ करते हैं वो स्ट्रीट्स को, सड़कों को, बिल्डिंग्स को, होटल्स को, बाजार्स को, मोराबादी हिल्स को। विद नन ऑफ दीज हैड ही स्लाइटेड एक्विटेंस। तो उन्होंने इस चीज़ को, उनको ये मामूली भी परिचित नहीं थे उन चीज़ों से, किसी भी चीज़ से, ना सड़क से, ना बिल्डिंग से, ना होटल से, ना बाजार से, ना ही मोराबादी हिल से। वुड ए ट्रिप टू हुड्रो फॉल्स हेल्प। क्या हुड्रो फॉल्स की जो बात आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, जो स्ट्रेंजर ने बताया था, उस मैन ने बताया था हुड्रो फॉल्स के बारे में, तो क्या वहाँ जाना उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। ही डिडेंट बिलीव, सो उनको ऐसा विश्वास नहीं था। एट द सेम टाइम ही डिडेंट विश टू लीव विद द फीलिंग्स दैट ही हैड ट्राइड इनफ। लेकिन वो इस चीज़ के लिए भी, इस चीज़ को भी नहीं मान सकते थे कि वो सिर्फ वहाँ ना जा करके, हो सकता है सिर्फ वहाँ जाने से उनको हर चीज़ याद आ जाए, तो ये काफ़ी नहीं है। इसलिए वो कोशिश, ये वो चाहते थे कि ऐसा बाद में उनको ना लगे कि उन्होंने कोशिश ही नहीं की, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वह वहाँ जाएंगे। सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार, तो इसलिए उन्होंने एक कार अरेंज की एंड लेफ्ट फॉर हुड्रो इन द आफ्टरनून। तो इसलिए वो हुड्रो में आफ्टरनून में वहाँ के लिए। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रो, तो जब 5 o'clock हो रहे थे आफ्टरनून में हुड्रो में, तो 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड विपिन बाबू लेइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बोल्डर। तो उन्होंने देखा कि एक बोल्डर के पीछे जो विपिन बाबू हैं, वो उनको चेतना नहीं है, अनकॉन्शियस होकर के वो लेटे पड़े हैं, गिर गए हैं। तो गुजराती जो जेंटलमैन थे वो वहाँ पर पिकनिक मनाने आए थे, उन्होंने उनको देखा वहाँ पड़े हुए। व्हेन ही केम राउंड, जब वो राउंड से वापस आए, द फर्स्ट थिंग विपिन बाबू सेड वॉज आई एम फिनिश्ड। जब उन्होंने वहाँ से वो आए तो उन्हें सबसे पहले जो उन्होंने कहा, विपिन बाबू ने, उन्होंने यही कहा कि आई एम फिनिश्ड, मैं समाप्त हो चुका हूँ, मैं ख़त्म हो चुका हूँ, देर इज़ नो होप लेफ्ट, अब तो कोई आशा भी नहीं बची। क्योंकि जहाँ जहाँ उन्होंने जाना था, हर गली हर बिल्डिंग में जाकर उन्होंने देख लिया, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आया कि वो वहाँ गए हैं। तो अभी वो कह रहे हैं कि हुड्रो, जब हुड्रो फॉल्स में भी वो गए तो वहाँ भी उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे उन्हें याद आए कि वो वहाँ पहले जा चुके हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, और नेक्स्ट मॉर्निंग को विपिन बाबू जो थे वो कलकत्ता में वापस आ गए। ही रियलाइज दैट देर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, तो उन्हें रियलाइज़ हो गया था कि अब उनके लिए कोई आशा नहीं बची है। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, तो जल्दी ही वो हर चीज़ को खो देंगे। ही विल टू वर्क, हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, हर चीज़, उनका काम, उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास, उनकी योग्यता, उनका जो बैलेंस ऑफ माइंड है, वो सब सब कुछ खत्म हो जाएगा। वॉज इट गोइंग टू एन एंड अप इज द एस्लोमेट, तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि जहाँ वो ऐसी जगह पर ही रहेंगे, उनकी जो यात्रा है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, जहाँ भी कोई क्रिमिनल छुपा हुआ होता है। विपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, विपिन बाबू और कुछ नहीं सोच पा रहे थे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और वो घर गए और उन्होंने फिर डॉक्टर चंदा को रैंग अप किया, डायल किया, फ़ोन लगाया और उनको कहा कि वो वहाँ आए। देन आफ्टरनून आफ्टर ए शावर, तो वहाँ जाकर के उन्होंने एक शावर लिया यानी नहाए। ही गॉट इन टू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, तो उन्होंने अपने जो सर पर, जब बिस्तर में लेटे तो उन्होंने अपने सर पर एक आइस बैग रख लिया, आइस बैग का जो पाउच होता है ना, क्लैम्प यानी शिकंजा, उसको रख लिया ताकि उनको थोड़ा सा सर पे ठंडक महसूस हो। जस्ट देन द सर्वेंट बॉट हिम ए लेटर विद समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, तो तब आकर के उनके नौकर ने उनको एक लेटर दिया जो कोई छोड़ कर गया था लेटर बॉक्स में, एक ग्रीनिश इनवलॉप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट।
उन्होंने जो उनको इनवलॉप दिया, लिफाफा दिया, वो ग्रीन कलर का था और उस पर जो था रेड कलर से, रेड इंक से नेम लिखा हुआ था। ये सर्वेंट उनको इनवलॉप दे रहे हैं। अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। उसके ऊपर लिखा हुआ था नेम के साथ, नेम के ऊपर, कि ये अर्जेंट है और कॉन्फिडेंशियल है, यानी किसी और, कोई और ना खोले, जिसको दिया जाना है वही खोले। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन विपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर। विपिन बाबू की जो कंडीशन थी, उन्होंने फील किया कि उनको लेटर को खोलना चाहिए। ही टोर ओपन द इनवलॉप, उन्होंने ऊपर से फाड़ा इनवलॉप को एंड टुक आउट द लेटर, और लेटर को बाहर निकाला। दिस इज व्हाट ही रीड, ये है जो उस लेटर में लिखा हुआ था। उस लेटर में क्या लिखा हुआ था? डियर विपिन, I had no idea that influence would bring about the kind of change in you and that is it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so many resources, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I use to retribution of your unfeeling behavior. Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see my thought the next few months. तो ये जो लेटर होता है yours चुन्नी लाल, ये चुन्नी लाल लिखते हैं विपिन को और वो ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जो नेचर है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है। तुम मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, तुम्हारे लिए इतना डिफ़िकल्ट था, मेरी तुम अपने पुराने दोस्त की हेल्प कर दो जबकि उसका लक उसका साथ नहीं दे रहा है। आपने जब पढ़ा स्टार्टिंग में थर्ड पार्ट में, तो आपने देखा कि चुन्नी लाल के पास जॉब नहीं थी और वो बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से विपिन बाबू को बार बार कह रहे थे कि उनको कोई जॉब दिलाएं। तो उन्होंने कहा कि जो विपिन बाबू हैं उनका नेचर इतना बदल गया था कि उन्होंने अपने पुराने दोस्त की हेल्प करनी भी उचित नहीं समझी जबकि उनका लक बहुत मतलब अच्छा नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक इमेजिनेशन थी जिसका मैंने यूज़ किया तुमसे बदला लेने के लिए। रिट्रीब्यूशन कहते हैं एज ए पनिशमेंट फॉर तुमसे बदला लेने के लिए ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, जो मुझे तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उसका बदला लेने के लिए। यानी पूरी जो रांची की ट्रिप की बात थी उनको सिर्फ मनगढ़ंत करके चुन्नी लाल ने उनके सामने रिप्रेजेंट करी और ये पूरा दर्शाने की कोशिश करी कि विपिन बाबू जो है वो पागल हो चुके हैं, उनकी जो मेमोरी है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन चुन्नी लाल जो सॉरी विपिन बाबू थे वो तो कभी रांची गए ही नहीं थे, तो ये उनसे बदला लेने के लिए चुन्नी लाल ने ऐसा किया था। उनके चारों तरफ एक ऐसा ड्रामा क्रिएट कर दिया कि उन्हें बिल्कुल लगा कि वो कैसे भूल सकते हैं ये सब बातों को। अब वो इतनी पर्सनल बातों को भी इसलिए जानते थे उनकी सारी बातों को क्योंकि वो उनके ओल्ड फ्रेंड थे, बचपन से उनके साथ रहते थे स्कूल टाइम से। और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से अच्छे हो जाओगे, मैं एक नॉवल लिख रहा हूँ, उसको एक पब्लिशर ने देख लिया है, अगर उन्हें लगेगा कि ये अच्छा है तो वो उसको पब्लिश कर देंगे, छाप देंगे और फिर हम कुछ महीनों तक उसको छाप देंगे, तो हम फिर मिलते हैं। When Dr. Chandra came, Vipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. तो जब Dr. चंदा आते हैं तो विपिन बाबू उनसे कहते हैं मैं ठीक हूँ और ये सब मुझे याद आ गया जब मैं रांची ट्रेन से वहाँ गया था। A unique case, एक बहुत ही unique case है, said Dr. Chandra. I said, I shall certainly write about it in a medical journal. तो मैं इसको मेडिकल जर्नल में लिखूंगा। आपने कभी देखा होगा अगर आप होम्योपैथिक क्लिनिक में जाते हैं तो डॉक्टर्स या किसी भी और मेडिकल हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर्स आपकी पूरी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं और कुछ केस ऐसे होते हैं, यूनिक होते हैं, तो उसके बारे में डॉक्टर्स लोग जो हैं वो अपनी डायरी में लिख लेते हैं ताकि कोई नेक्स्ट केस आए तो उसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग उनको हेल्प मिल सके। तो वो होता है मेडिकल जर्नल। The reason why I sent for you, तो यही कारण था मैंने तुम्हें रांची भेजा ताकि वहाँ जा कर के तुम देखो और तुम्हें हर चीज़ याद आ जाए, said विपिन बाबू, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. तो उन्होंने कहा कि मेरे हिप में दर्द हो रहा है क्योंकि मैं रांची में जब गया हूँ अभी वहाँ तो वहाँ गिर गया था। If you could prescribe me पेन किलर, तो अब मुझे आप कोई पेन किलर प्रेस्क्राइब कर दीजिए, लिख कर दे दीजिए। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है स्टोरी। तो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।